नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो चलिए आज फिर से देखिए किचन में मैं क्या क्या बनाती हूँ, तो एक तो नई वीडियो के साथ आप लोग से जुड़ती हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप लोग किचन में बने रहिए। तो देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ, सिंपल सा शेयर कर रही हूँ। इधर मैं आलू को बॉयल कर ली हूँ, सारे आलू को बॉयल करके छिलका निकाल ली हूँ। इधर हरा मटर को मैं छील ली हूँ। इधर ये पनीर को मैं क्यूब में काट ली हूँ, घर का बेसिक मसाला हो गया। और ये यहाँ दो ठो मीडियम साइज का प्याज, धनिया, दो ठो हरा मिर्च और ये टमाटर दो ठो, तो सारे को काट ली हूँ। सबसे पहले चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं पैन डाल दूँ। पैन जब गर्म हो जाए तब इसमें सरसों तेल में ऐड कर देती हूँ। मैं सरसों तेल में ही बनाती हूँ। यहाँ मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा पनीर फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ज़्यादा मैंने फ्राई करूँगी, थोड़ा फ्राई करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाजार का रहता है ना, तो थोड़ा सा करते अपना घर का रहता तो ताज़ा भी बनाने से टेस्टी बनता रहता है। पनीर फ्राई हो चुका है, चलिए अब अगला स्टेप दिखाते हैं। यहाँ पर मैं सरसों तेल है पनीर वाला जो बचा था, इसमें आलू को ऐड कर देते हैं। आलू फ्राई जब तक होता है तब तक के लिए अगला स्टेप दिखा देते हैं। टमाटर को मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। आजकल का टमाटर ना थोड़ा सा कम गलता रहता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ सिर्फ टमाटर को ग्राइंड कर लेती हूँ। आलू भी फ्राई हो चुका है, अब आलू को भी निकाल लेती हूँ। तो आलू निकाल लेने के बाद अब सेम पैन में मैं यहाँ सरसों तेल को फिर ऐड कर देती हूँ। अभी यहाँ मैं तड़का के लिए एक चमचा, छोटा चमचा से एकदम छोटा चमचा है, तो पांच फोरन ले ली हूँ, जीरा हूँ, दो ठो लाल मिर्च ले ली हूँ, दो ठो तेजपत्ता, थोड़ी सी हींग। तो चलिए यहाँ पर पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ। जब थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो इस स्टेज पर यहाँ पर मैं पीछे से हींग को पीछे से इधर जल जाता है, थोड़ा सा मैं हींग को भी ऐड कर दें। यहाँ पर ये जो प्याज और हरा मिर्च है उसको सबसे पहले यहाँ प्याज पहले ऐड कर देते हैं, बस हरा मिर्च और प्याज सारे को ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब मैं मसाला को निकाल लेती हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर है, ज़्यादा तीखा नहीं है, तो थोड़ा सा मैं दो चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर दो चम्मच, धनिया पाउडर भी दो चम्मच, थोड़ा मसाला है। उसके बाद यहाँ पर जीरा और गोल मिर्च का पाउडर है, तो ये थोड़ा सा एक चम्मच थोड़ा सा मैं डाल दूँ। तो चलिए एक दो मिनट यहाँ प्याज को मैं थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। इसके बाद ये जो टमाटर को मैं ग्रिस कर रखी ग्राइंड करके उसको डाल देती हूँ। अब इस स्टेज पर ये जो सारे घर का बेसिक मसाला तो यहाँ तो मैं डाल दी हूँ, दो तीन मिनट भून लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाला भी भुना चुका है। इस स्टेज पर ना नमक को मैंने ऐड किया, थोड़ा सा नमक को ऐड कर दूँ। यहाँ पर मसाला तीन चार मिनट भून रही हूँ, ज़्यादा सूखा हो गया। अब मैं इस स्टेज पर ये हरा मटर है उसको भी ऐड कर देती हूँ। एक डेढ़ मिनट मटर के साथ इसको भून लेती हूँ। तो देखिए मेरा मसाला भुना चुका है, साइड से तेल छोड़ दिया है, देख सकते हैं। अब मैं इस स्टेज पर मैं यहाँ पर आलू को ऐड कर देती हूँ। आलू भुनने के बाद मैं यहाँ पर ये जो पनीर है उसको भी ऐड कर देती हूँ। अब मैं पानी डाल दूंगी। मैं सिंपल सा सब्जी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इससे मेरे हस्बैंड को उतना पनीर अच्छा नहीं लगता रहता है, उसे न्यूट्रीला उनको पसंद है। तो चलिए मैं एक मिनट फिर मैं सारे को मसाले को आलू पनीर मटर सारे भून करके एक मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ, ताकि सारा मसाला सारे सब्जी पर कोट हो जाए। देखिए सब्जी मेरा भुना चुका है, मैं यहाँ पर पानी को ऐड कर देती हूँ। मिक्सर धो करके यहाँ पर, तो देखिए अब मैं इसको ढक करके 5-7 मिनट के बाद दिखाऊंगी। तो
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पानी को ऐड कर दिया और लहसुन देने को मैं भूल गए, तो मैं अभी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके सब्जी को ढक दी हूँ। तब तक चलिए फिर दूसरा गैस मैं जला ली हूँ। यहाँ पर दो ठो टमाटर को मैं धो करके अच्छा से पका लेती हूँ, भून लेती हूँ। उसके बाद देखिए इधर टमाटर पक रहा है, तब तक देखिए मेरा सब्जी, वाह कितना कलरफुल है। सब्जी पक चुका है और लास्ट में मैं यहाँ पर होममेड गरम मसाला को ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसको ट्रांसफर कर ली, सब्जी को ट्रांसफर कर लिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर धनिया ऐड कर देती हूँ। अब इधर चलिए मैं ये चटनी मैं बना लेती हूँ। धनिया, हरा मिर्च, लहसुन और टमाटर, इसका मैं चटनी बना लेती हूँ। यह सारे रखा गया। अब मैं यहाँ पर आवश्यकता अनुसार नमक को भी ऐड करके मिक्सर घुमा देती हूँ। देखिए चटनी मेरा रेडी है। मैं यहाँ पर सरसों तेल को ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा है, ग्रीन चटनी बनकर के रेडी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर चावल को धो लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपना घर का होम मेड चावल, फिर भी मैं यहाँ पर दो तीन पानी से अच्छा से फ्रेश से धो लेती हूँ। उसके बाद चलिए चावल को धो करके मैं कुकर में शिफ्ट कर देती हूँ और उसके बाद एक सीटी आने का मैं इंतज़ार करूँगी। एक सीटी पकने के बाद बंद कर देंगे। देखिए मेरा आलू मटर पनीर का सब्जी, इधर आपको सलाद बना लिए हैं और ये मैं सिंपल सा डिनर बनाई हूँ, चटनी, ग्रीन चटनी और दही। बिना दही का तो हम लोग का होता नहीं है मिथिला में। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपल सा डिनर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चावल निकाल लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर सब्जी देखिए, और उसके बाद यहाँ पर मैं सलाद और धनिया और टमाटर का जो मैं चटनी बनाई सो। तो चलिए अब मैं आप लोगों के सामने में सर्व कर देती हूँ। तो देखिए मैं सिंपल सा डिनर बनाई हूँ, जिसमें वही आलू पनीर और मटर का सब्जी है और धनिया का चटनी है और चावल है, दही और सलाद है। तो आज मेरा वीडियो शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिंपल सा जो चीज़ बनाती हूँ, डिनर, लंच, स्नैक्स, जैसा जो बनाती हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ खाइए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, ओम शांति, नमस्कार। तो आइए।